ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट रॉ के एपिसोड के बारे में, और जो नेक्स्ट रॉ का एपिसोड होगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर से पहले ये होगा रॉ का आखिरी एपिसोड। तो WWE हमें काफी कुछ बड़ा करती हुई दिखाई दे सकती है इस रॉ के एपिसोड में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी चीजों के बारे में जो होंगी नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में, और रिटर्न भी कंफर्म हो चुके हैं नेक्स्ट रॉ के एपिसोड के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कर्ट एंगल एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन से। कर्ट एंगल शायद लास्ट शॉक एपिसोड में रिटायरमेंट लेने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर हमें उनका मेन इवेंट में मैच देखने को मिल जाता है, टैग टीम मैच। और इस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी क्या हो चुका है ये भी हमें नहीं पता। तो ऐसा लगता है कि शायद हमें एक एलिमिनेशन चेंबर के लिए मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है कर्ट एंगल एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का। अब ऑब्वियसली आपस में लड़ने वाले, लेकिन हो सकता है हमें किसी तरह के ये टैग टीम मैच में देखने को मिल जाए, या फिर कर्ट एंगल की थोड़ी अलग डायरेक्शन जाए। लेकिन हाँ, इतना यहाँ पर कंफर्म लग रहा है कि शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच कंफर्म हो जाएगा नेक्स्ट शॉक एपिसोड में एलिमिनेशन चेंबर के लिए, और हो सकता है कर्ट एंगल की तरफ से हमें कोई बड़ी और शॉकिंग अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाए। अगली चीज की बात करें, और ये भी जुड़ी है एलिमिनेशन चेंबर के एक मैच से जो कि शायद नेक्स्ट शो के एपिसोड में कंफर्म होगा, और ये मैच में देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फिन बैलर वर्सेस बॉबी लेस्नर के बीच, क्योंकि लास्ट शो के एपिसोड में फिन बैलर ने लियो रश को हरा दिया था। तो ऐसे में यहां पर एक ही डायरेक्शन बनती है, और वो ये कि बॉबी लेस्नर और फिन बैलर लड़ेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एट एलिमिनेशन चेंबर पे पर व्यू। नेक्स्ट चीज की बात करें, और ये जुड़ी है यहां पर डीन एम्ब्रोस से। अब डीन एम्ब्रोस है सुपरस्टार इस समय रॉ के एपिसोड में बने हुए, जिनके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला, क्योंकि ये नहीं पता कि अब जब वो कंपनी से जा रहे हैं तो WWE ने कैसे बुक करने वाले। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी जो स्टोरी लाइन है वो हो सकता है फीकी भी हो, या हो सकता है कुछ अच्छी भी हो। वैसे जैसा हम अब तक देख रहे हैं, लग नहीं रहा कि WWE कुछ ज्यादा बड़ा करने वाले हैं डीन एम्ब्रोस के साथ, लेकिन रिसेंटली उनकी जो फ्यूड चल रही है वो चल रही है EC3 के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि शायद एलिमिनेशन चेंबर के लिए डीन एम्ब्रोस का मैच EC3 के साथ ही कंफर्म हो जाए, या फिर हो सकता है इससे भी कोई बेकार बुकिंग WWE कर दे डीन एम्ब्रोस की, क्योंकि इस समय डीन एम्ब्रोस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा रॉक एपिसोड में। लेकिन पर्सनली मैं यहाँ पर ये होप करता हूँ कि एटलीस्ट जाने से पहले WWE कुछ ना कुछ अच्छा करे डीन एम्ब्रोस के साथ। अगली चीज की बात करें, और यहां पर जुड़ा है हमारा रॉक एपिसोड से पहला रिटर्न, और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लास्ट रॉक एपिसोड सेथ रॉलिंस ने मिस किया था। उसका रीजन ये था कि थोड़ी बहुत माइनर प्रॉब्लम थी सेथ रॉलिंस के साथ, और ऐसी अपडेट्स भी आने की हमें रेसल करते हुए नहीं दिखाई देंगे रेसलमेनिया से पहले, मतलब कि रेसलमेनिया से पहले कम फिजिकल एक्शन में होंगे। तो इस तरह से एलिमिनेशन चेंबर में उनका कोई मैच कंफर्म होगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन फिर क्या करने वाले सेथ रॉलिंस नेक्स्ट रॉक एपिसोड में, तो यहां पर यह बात कंफर्म हुई कि नेक्स्ट रॉक एपिसोड में सेथ रॉलिंस आकर एड्रेस करेंगे ब्रॉक लेस्नर को, किस तरह से उन्होंने ब्रूटली अटैक किया था ब्रॉक लेस्नर के ऊपर, और हो सकता है यहाँ पर स्टेटमेंट दे और ब्रॉक लेस्नर को चैलेंज कर दे कि वो जरूर हराने वाले हैं उन्हें रेसलमेनिया 35 में, और बनेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन। अब बात करें फाइनल सेगमेंट की, और यहीं पर जुड़े हमारे दो रिटर्न। पहला रिटर्न जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा बैकी लिंच का। जी हाँ, बैकी लिंच हो गई थी सस्पेंड, लेकिन फिर से अब उन्हें वापस बुला लिया गया रॉक एपिसोड में, और मैकमैन फैमिली की तरफ से इनवाइट किया गया उन्हें फिर से रॉक एपिसोड में। और यहीं पर जो हमें दूसरा रिटर्न पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है वो होगा मैकमैन फैमिली का, जहां पर हमें स्टेफनी मैकमैन के साथ साथ हो सकता है यहां पर ट्रिपल एच देखने को मिल जाए, विंस मैकमैन देखने को मिल जाए। वैसे यहां पर ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म है कि शायद यहां पर ट्रिपल एच के में इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिलने वाले, क्योंकि हमने स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में देखा था कि ट्रिपल एच को पड़ गया था स्लैब बैकी लिंच से। तो ऐसे में यहां पर हमें शायद रॉ के हाईलाइट बनता हुआ दिखाई दे सकता है यही वाला सेगमेंट, जहां पर बैकी लिंच को इन्वाइट किया जाएगा रॉ के एपिसोड में। और क्योंकि आप लोग जानते हैं बैकी लिंच को इस समय काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है फैंस की तरफ से, तो ऐसे में यहां पर इस वाले सेगमेंट को काफी ज्यादा पसंद किया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पर यह होगा कि हम लोगों ने सेम चीज देखी रॉ और स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में, जहां एक बार बैकी लिंच ने अटैक किया स्टेफनी मैकमैन के ऊपर, उसके बाद स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में भी हमें कुछ ऐसी सिमिलर चीज देखने को मिली। लेकिन यहां पर अगर WWE सिमिलर चीजों को बार बार ट्राई करती रहेगी तो मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला। तो यहां पर यह बात हमें देखनी होगी कि WWE कैसे बुक करती है इस बार बैकी लिंच को, और इस बार क्या डिफरेंट सेगमेंट प्लान होता है बैकी लिंच और मैकमैन फैमिली के बीच। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि नेक्स्ट शो के एपिसोड के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की डेली अपडेट्स मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।